देखिए, जुमे के दिन यानी कि कल दोपहर में 3 बजे एक धरना आंदोलन ऑर्गेनाइज़ किया गया है कोल्हापुर के अंदर। जिस तरह की घटना हमको देखने को मिली है कि वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी दरगाह को निशाना बनाया गया, और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जहाँ पर अतिक्रमण का कोई लेना देना नहीं है, विशालगढ़ से करीब 4 किलोमीटर दूर के ऊपर गजापुर गाँव में एक मस्जिद के अंदर जाकर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर जानमाज़ को जलाया गया, कुरान मजीद को जलाया गया, मेंबर को तोड़फोड़ की गई है, वहाँ के मस्जिद के मीनार को तोड़फोड़ की गई, और जिस तरीके का वहाँ पे नंगा नाच वहाँ पर ये आतंकी कर रहे थे, गुंडे लोग कर रहे थे, उसकी निंदा करने के लिए, उसको कंडम करने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट मीट पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया। आज दोपहर में पुलिस की तरफ से इसके लिए परमिशन कैंसिल की गई थी, फिर उसके बाद एक मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ किए DCP साहब के साथ और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और वहाँ पर हमने ये कहा कि अगर हम एहतजाज भी नहीं करेंगे, अगर हम प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे से, तो आप ये क्या नंगा नाच जो चल रहा है इसको अलाउ करते रहेंगे और हम खामोश बैठे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए करके। फिर उनकी अभी मीटिंग हुई पूरे वरिष्ठ अधिकारियों की, और कुछ देर पहले मुझे कमिश्नर साहब का फ़ोन आया कि आप आए, हम आपको परमिशन ग्रांट कर रहे हैं। तो वो परमिशन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है। मैं आपके ज़रिए तमाम मुसलमानों से और सेक्युलर हिंदुओं से भी अपील करना चाहूँगा कि जो घटना वहाँ पर हुई है उसकी निंदा करने के लिए, उसको कंडेम करने के लिए कल दोपहर में 3 बजे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर आए। मैं नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से हम पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम ये प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आपने इसके अंदर हुल्लड़बाजी किए तो आप में और जो आतंक मस्जिद में जाकर जो गुंडे लोगों ने किए हैं उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। उसमें हम अपनी नाराज़गी सरकार को जताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो भारी तादाद के अंदर आइएगा। ये मत देखिएगा कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट है, नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी जमात, सब जितने भी तंजीम है, हम तमाम लोगों से आपके ज़रिए अपील करना चाह रहे हैं कि वो कल इसके अंदर कसीर तादाद के अंदर आइए और अपने गुस्से का इजहार करिए। अब बाकी पार्टियों को भी न्योता दिया गया है क्या, और कौन सी पार्टी आपके साथ आने वाली? देखिए, मैं पार्टी का, मैंने आपको ये कहा हूँ ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। आप मेरे कलमे वाले भाई है, जितनी तकलीफ़ मुझे हुई है, यकीनन मुसलमान चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो, तकलीफ़ उसे भी हुई होंगी। तो आज एक कलेक्टिवली हम अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहिए, और मैं आपके ज़रिए तमाम तंजीमों को, तमाम जितने भी जमातें हैं, तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको ये अपील करना चाह रहा हूँ कि ये एहतजाज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के अंडर में नहीं है, हम सब मिलकर इसका एहतजाज करें।